हेलो आर यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है स्पेशली जो राम भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठान हुआ था राम मंदिर का अयोध्या में, तो उसके उपलक्ष्य में आप तो जानते होंगे इंडिया में बहुत धूमधाम से मनाया गया था ये। और हमारी सोसाइटी में भी काफ़ी कुछ किया गया था, हर बिल्डिंग को सजाया गया था, रंगोली बनाई गई थी, दिए जलाए गए थे। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे सोसाइटी में कुछ 8-9 बिल्डिंग्स हैं और सभी बिल्डिंग्स में जो है बहुत अच्छे से रंगोलियां बनाई थी और दिए जलाए थे, सजाया गया था। और फिर जो है मेन कॉमन एरिया है, वहाँ पर काफ़ी सारे पूजा की गई थी और फिर रात को भंडारा भी किया गया था। सो ओवरऑल बहुत चहल पहल थी, ऐसा लग रहा था कि दिवाली ही है। सो मैंने वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए शूट कर ली थी, मुझे लगा आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा ये सब देखना। देखिए कितनी प्यारी रंगोली यहाँ बनाई हुई है। और फिर हम ये रात को ही निकल गए थे 21 जनवरी को सोसाइटी के बिल्डिंग्स की सजावट देखने के लिए, और हमने सोचा जेडन और ये भी घूम लेंगे। सो देखिए जेडन जो है अपनी मैजिक कार में उड़ रहा है और आइरीन जो है प्रैम में बैठी थी। फिर घूम के वापस आकर घूमकर फिर हम लोगों ने इन दोनों को खाना खिलाया था और फिर ये लोग खेल कूद कर सो गए थे। सो अभी एक्चुअली एक रूटीन सी हो गई है कि जेडन और आइरीन रोज़ 7:30-8 बजे नीचे उतरते हैं, आधा एक घंटा खेलते हैं और फिर घर जाकर 9:30 बजे से हम दोनों का खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो 10-10:30 तक वो लोग खाकर थोड़ा एक घंटा खेल कूद कर और फिर 12 बजे तक वो सो जाते हैं। काफ़ी लेट है बच्चों के लिए, बट अभी क्या करें, दोनों का टाइमिंग ही ऐसा है। और अभी स्कूल भी नहीं है, सो आगे चलकर स्कूल होगा तो फिर तो इन्हें जल्दी उठना ही पड़ेगा। सो हम लोगों ने सोचा चलो अभी इन्हें सो लेने देते हैं। सो ये देखिए ये गार्डन एरिया में कितने अच्छे से यहाँ पे सब सजाया हुआ था और ये पूजा के लिए यहाँ पर जगह भी दी हुई थी और यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए थे 22 जनवरी को। डांस, रामलीला, बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस भी किए थे। सो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत रौनक थी सोसाइटी में। ये देखिए ये यहाँ पर ऐसे सजाया हुआ है और मतलब सोसाइटी में इतनी रौनक मैंने पहली बार ही देखी दिवाली के अलावा, कि लोग इतने खुश थे और इतने उत्साह के साथ में सारे लोग जो हैं इस फेस्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। सो काफ़ी अच्छा लगा देखकर। और सब लोग एक साथ मिलकर ही रहते हैं सोसाइटी में, तो वो भी देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए काफ़ी लोग तो नीचे उतरे हुए थे इस टाइम पे। सो ये 21 जनवरी का वीडियो है, सजावट हो गई थी ऑलमोस्ट और फिर दूसरे दिन जो है दिन भर पूजा का कार्यक्रम चला है और भजन वगैरह भी लोगों ने गाए, उससे जो है काफ़ी रौनक लगी हुई थी सोसाइटी में पूरे दिन। और ये देखिए जेडन जो है अपनी मैजिक कार में बैठा हुआ है। सो मैंने सोचा मैं आपको पीछे का हिस्सा भी दिखा दूँ, स्विमिंग पूल एरिया। ये देखिए कितने अच्छे लाइटिंग्स हैं यहाँ पर, बड़े बड़े गमले हैं और ये है किड्स का स्विमिंग पूल, जो रात में ऐसे यहाँ पे लाइट्स जलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। सो बस we'll be right back.
और फिर हम लोग बैठ गए थे फुटबॉल और क्रिकेट के लिए जो नया ग्राउंड बना है वहाँ पर। वहाँ पर एक्चुअली हमारे सोसाइटी का क्रिकेट लीग चल रहा था, सो काफ़ी चहल पहल थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो हम लोग भी जाकर देख कर आए, वहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा था। It's a umpire said, umpire decision is the final decision, and it's a no ball. Just a right. 1 second, umpire, आपस में डिस्कस करते हुए। नो नो और फिर ये हो गई थी सुबह यानी कि नेक्स्ट डे। और देखिए यहाँ पे लोग एकदम तैयार होकर जो है एक से ड्रेस कोड में यहाँ पर खड़े हुए थे। सो पूजा की तैयारियाँ शुरू थी यहाँ पर, और सब लोग खुश होकर यहाँ पर तैयार होकर खड़े होकर अपने फोटोज़ भी खींच रहे थे, और जो दिन भर की तैयारियाँ थी उसमें भी लग गए थे। सो रौनक तो यहाँ अभी से ही लग गई थी। ये सुबह आई थिंक 8 बजे का टाइम है। देखिए सारे लोग एकदम रेडी हुए हैं, और धूप भी इतनी अच्छी निकली हुई थी ना कि सारे लोग जो हैं बहुत खुश भी नजर आ रहे थे। क्या करना चाहते हो? 2 मिनट के लिए, रुपया इसके लिए 2 मिनट के लिए। जो लोग पूजा में बैठने वाले हैं, 21 यजमान, 21 जोड़े, वो लोग है रुपया 2 मिनट के लिए। तो जो 21 लोग है वो पहले आ जाए, हम पूजा की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। क्या हो रहा है? बस उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। ठीक। अच्छे से अच्छे से, जरा इधर आओ। आयरीन क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हा। आयरीन इज अ गुड गर्ल।
आयरीन आयरीन गंदा है ना और फिर मैं सुबह के टाइम फिर से जेडन को लेकर निकल पड़ी थी कि उसे दिखाऊं क्या हो रहा है सोसाइटी में। ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेट किया था ये रिसेप्शन एरिया और काफ़ी कलरफुल भी लग रहा था। और देखिए यहाँ पे फ्लावर्स जो हैं उनसे कितना अच्छा सजाया है और काफ़ी कुछ यहाँ पे कपड़े जो हैं उनके भी डिज़ाइंस और जो सजाने वाले लटकन होते हैं वो भी यूज़ किए हैं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ये वाले बिल्डिंग का जो एंट्रेंस है। सो इसलिए मैं दिन में आई हूँ कि मैं अच्छे से ये कैप्चर कर पाऊँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था, पेड़ पौधों को भी सजा दिया था और ये डेकोरेटिव आइटम्स भी यहाँ पर लाकर रखे हुए थे। तो सामने से देखने से तो और भी प्यारा लग रहा था। ये देखिए ये पेड़ पौधों को भी बहुत अच्छे से चुनरी डाल दी थी और ये डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं दिया और अलग अलग शेप की चीज़ें रंगोली भी बनाई हुई थी। और ये रहा आसमान। फिर जो है मैं बीच वाले एरिया में आ गई थी, मतलब क्लब हाउस वाला एरिया। वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूजा होनी थी, बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करना था। सो यहाँ पर जो है लोग काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ पर आए हुए थे। देखिए काफ़ी भीड़ भी है और ये मंडे का दिन है 22 जनवरी। सो ये देखिए ये रहा वो मेन एरिया। नारियल फूल से ऊपर रख दीजिए चावल जो गेहूं के हो गया। प्रधान संकल्पित करके हो संकल्प खाय कर्मण आयुष्य मध्य स्वस्ति, मतलब आयुष्य पाई चाहिए। यहाँ पर भी उसी तरह की पूजा का आयोजन किया। इसमें अभी ऐसा है कि रामलला जी की प्रतिष्ठापना भी हो रही है, उस दौरान सारी देवी देवताओं यहाँ पर दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्रजूयतां देवानां तन्मादाः निवेदपिताजो तद्ग्रावानः सुमृतो मयोर्वसुतं दृष्ट्याजुहम्म भूमहे वयम् भूकानो यथा वेद समसदृदे पायुम्बसा स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूका विश्ववेदाः स्वस्ति न साम्रक्षो अरिष्ठणेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति शांति शांति। चम्मच में पानी लीजिए। इतान्याद्र गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पूगी फल तांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा। पानी ऐसे सीधे छोड़ना है, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। अभी अभी हाँ अभी हर एक। सो ये था हमारी सोसाइटी का सेलिब्रेशन अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का। और काफ़ी सारे लोगों ने जो है बहुत खुश होकर ये सेलिब्रेट किया। एकदम दिवाली जैसा माहौल था। देखिए जेडन भी जा कर देख रहा है कि क्या है और वो आराम से वहाँ जाकर बैठ गया था। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर ब्लॉग विच इज़ जेडन एंड आयरीन्स नेस्ट। बाय बाय।